हेलो नमस्कार, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है यूज ऑफ कैन एंड में। इस शब्द का इस्तेमाल अंग्रेजी बोलने क्रम में, यूज करने क्रम में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कैन और मे दोनों का मतलब एक ही होता है, फिर भी इसका उपयोग बहुत धड़ल्ले से होता है। केवल पता नहीं होता है कि कहाँ पे कैन लगाना है, कहाँ पे मे लगाना है, मे लगाना है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते हैं कहाँ पे हम कैन यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे मे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अंत तक बने रहिए मेरे साथ, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आपको जानकारी दे पाऊँगा, ठीक है। ये दोनों शब्द का जो मेन मतलब होता है वो होता है सकना। पहले हम कैन की बात कर लेते हैं, फिर आगे मे की भी बात करेंगे बारी बारी से। कैन का मतलब होता है सकना, और इस कैन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसकी चर्चा अगर मैं करूँ तो आता है फिजिकल के रूप में आता है, यानी कहीं शारीरिक अगर बात चल रही हो, शारीरिक, ठीक है, इसको अगर दर्शाना हो तो इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, फिजिकल हो गया। अच्छा, जब फिजिकल आएगा भाई तो मेंटल भी आएगा, और मेंटल का मतलब आप सबको पता है कि मानसिक है, ठीक है, ये दोनों अवस्था में होगा। इसके अलावा और कहाँ होगा, या किसी भी परिस्थितिगत में हो, किसी भी परिस्थितिगत में अगर किसी चीजों को हमें अवगत कराना हो, यानी हम कह सकते हैं, ठीक है, परिस्थितिगत यानी सरकमस्टेंशियल में हो, अगर सरकमस्टेंशियल में अगर हो तो भी हम किसका उपयोग करेंगे, कैन का उपयोग करेंगे। और अपनी क्षमता दर्शानी हो, अगर क्या दर्शानी हो, क्षमता दर्शानी हो यानी एबिलिटी दिखाना हो तो भी हम कैन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इन सब दशाओं में हम करते हैं। आपके ऊपर स्क्रीन पे यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट होगा, उसके तुरंत बाद कैन होगा और फिर अदर वर्ड आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ सेंटेंस बनाएंगे। जैसे अगर हम यही कहें कि मैं यह काम कर सकता हूँ, सेंटेंस अगर हो, नेक्स्ट पढ़ने पर हम आ जा रहे हैं और यहाँ सेंटेंस हम लिखते हैं। सेंटेंस अगर हो कि मैं यह काम कर सकता हूँ, देखिए, मैं यह काम कर सकता हूँ, तो यहाँ देखिए लास्ट में सकता हूँ आ गया, तो सकता दोनों भी आएगा, लेकिन काम कर सकता हूँ यानी ये मेरा फिजिकल फेनोमेना को दर्शा रहा है कि हम इसको करने के लिए तंदुरुस्त हूँ। मेरा मानसिक पावर बता रहा है कि इस काम को करने के लिए मैं क्या हूँ, फिट हूँ। इसलिए यहाँ पे हम मे का उपयोग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कैन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ हम इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, सेंटेंस इसका हम बनाएंगे कि आई कैन डू दिस वर्क। क्या बनाएंगे भाई, आई कैन डू दिस वर्क, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके जो भी हम देंगे पहले आप उसको खुद बनाइए, फिर मिलाइए कि क्या आप सही बना रहे हो कि नहीं बना रहे। दूसरा लेते हैं, अगर हो कि लिखा जाए कि राम गंगा पार कर सकता है, गंगा पार कर सकता है, यानी इसका मतलब ये है कि राम के पास ऐसी शारीरिक क्षमता है, उसके पास मानसिक क्षमता है, वो अपने एबिलिटी को दर्शा रहा है कि गंगा को पार कर सकता है। तो इस कंडीशन में हमने क्या लगाना, कैन लगाना। तो इसका सेंटेंस क्या बना सकते हैं कि राम कैन, बनाएंगे इसका, राम कैन क्रॉस द गंगा, ठीक है, यानी राम गंगा पार कर सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा। मान लीजिए हमने अगला लिखा कि अनीता अंग्रेजी बोल सकती है, तो ये इस लड़की का क्या है, ये इस लड़की की एबिलिटी है, क्षमता है कि वो बोलने के काबिल है, इसलिए कह रही है कि वो बोल सकती है, सेंटेंस कहता है। तो हम इसका क्या बनाएंगे कि अनीता कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। इस पे आप धड़ल्ले से बहुत सारा बना सकते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, राम अंग्रेजी बोल सकता है, राम कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। यानी इस पे फटाफट फटाफट जितनी चाहे उतनी आप बना सकते हैं, ये आपके पास स्ट्रक्चर है, अब आप धड़ल्ले से बना सकते हैं, ठीक है। और इसकी अगर हम निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में भी बहुत सारा आ सकता है, तो पहले हम पॉजिटिव ही बात कर लेते हैं दोनों का, फिर उसके बाद निगेटिव पे आ जाएंगे, चूंकि निगेटिव समझना बहुत ही आसान है, यहाँ पे हम कोई भी लेके बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम
आगे बढ़ते हैं कि आगे इसका मे के तरफ थोड़ा कुछ चलते हैं कि मे में समझते हैं कि मे में क्या हो सकता है, मे में कौन कौन सा कंडीशन आएगा तो हम मे का उपयोग करेंगे। देखिए मे का भी मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही सकना होता है। अभी आपने देखा कैन का मतलब भी सकना हो रहा था और मे का मतलब भी सकना हो रहा था, लेकिन मे का उपयोग कुछ खास जगहों पर हो रहा है, ठीक है, कुछ खास जगहों पर ही मे का उपयोग हम कर रहे हैं। जैसे जैसे कि संभावना हो, जैसे क्या हो, संभावना हो, संभावना अगर कोई दर्शा रहा हो, यानी पॉसिबिलिटी अगर हो रहा हो, पॉसिबिलिटी की अगर बात हो रही कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तब हम मे का उपयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कहा परमिशन अगर किसी से लेना हो, यानी हमको अनुमति लेना हो अगर कहीं, ठीक है, अनुमति मांगनी हो या लेनी हो, ठीक है, तब भी हम मे का उपयोग करेंगे, यानी परमिशन लेना हो हमको, परमिशन लेना हो। और कहाँ उपयोग कर सकते हैं इसका, अनुरोध करना हो किसी से, भाई क्या करना हो, अनुरोध करना हो, यानी विनती करना हो, रिक्वेस्ट करना हो, ठीक है, रिक्वेस्ट करना हो, तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और कहाँ कर सकते हैं, अगर मेरी कोई इच्छा है, कोई जिज्ञासा है, कोई चाह है, कोई अभिलाषा है, तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी क्या इच्छा होनी चाहिए, विश हो, अगर ये सब भी बातें आती है तो भी हो सकते हैं। हम एक एक करके इस पे सेंटेंस देखेंगे और कोशिश करेंगे बनाने के लिए। आप समझ रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है मुख्य रूप से, तो आइए हम यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक स्लाइड हम ले रहे हैं, एक नया स्लाइड ले रहे हैं और यहाँ पे हम बना रहे हैं। देखिए ये सब कुछ नहीं, इसको हम हटा दे रहे हैं, परेशान नहीं होना है। ये तो भाई अब ये लैपटॉप है तो यहाँ पे तो फटाफट ही टपटपाया जा रहा है। देखिए ये मतलब कह रहा है, कह रहा है कि मुझे भी तनि हालचाल पूछ लो, इसलिए आ रहा है। मान लीजिए अब इस पे सेंटेंस अगर बनाना हो कि आज वर्षा हो सकती है, ये कॉमन सेंटेंस है, लगभग सबको ही बना लेता है शुरू में, आज वर्षा हो सकती है। वाक्य को पढ़ने से क्या लगता है कि वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है, यानी इसमें क्या है, संभावना वाली बात आ रही है। हमने पहले ही यहाँ बताया कि संभावना होगी, तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ने से भी पता चलता है कि वर्षा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, ये कंफर्म नहीं है कि वर्षा होगी ही होगी। तो इसका सेंटेंस हम क्या बनाएंगे, इसका सेंटेंस हम ये बनाएंगे कि इट मे रेन टूडे, क्या बनाएंगे हम, इट मे रेन टूडे, क्या बनाएंगे, इट मे रेन टूडे, ठीक है, यही बनाएंगे हम। पिताजी कल आ सकते हैं, सेंटेंस क्या आ रहा है, पिताजी कल आ सकते हैं। सेंटेंस अगर आ रहा है कि पिताजी कल आ सकते हैं, आ सकते हैं, यानी इसका सेंस ये है कि पिताजी आ भी सकते हैं और भाई नहीं भी आ सकते हैं। तो यानी लिख सकते हैं कि फादर मे कम टुमारो, क्या लिखेंगे, फादर मे कम टुमारो, ठीक है, यानी कल आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। और भी इस तरह के आप ले सकते हैं, तो ये हो गया आपका संभावना वाला। इसी पे हम आ जा रहे हैं कि अनुमति में क्या हो रहा है, जैसे अगर आप किसी से पूछते हैं कि हम अंदर आ सकते हैं क्या भाई, तो वो कहता है कि हाँ आप अंदर आ सकते हो, तो इस सेंटेंस में भी आप बना सकते हैं कि अब तुम जा सकते हो, चाहे आ सकते हो। मान लो अगर ये बनाना हो हम आपको कि अब तुम जा सकते हो, अब तुम जा सकते हो, तो इसका हमने क्या बनाना है, अब तुम जा सकते हो, यहाँ क्या है कि यहाँ पे अनुमति की बात हो रही है, तो इसका सेंटेंस हो जाएगा यू मे गो नाउ, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो, और सेंटेंस एक दो लेके हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। अगर दिया हो कि अब लड़के घर जा सकते हैं, अब लड़के कहाँ जा सकते हैं, घर जा सकते हैं, क्योंकि उनका काम खत्म हो गया इसलिए उनको अब घर भेजा जा रहा है, ठीक है। तो इसका हमको क्या बनाने होंगे, इसका हम बना सकते हैं कि वॉयज, वॉयज मे गो होम नाउ, ठीक है, यानी आप वो घर जा सकते हैं, इस तरह से ये अनुमति हो गया। अच्छा, अनुरोध की बात अगर हम करें, अनुरोध में पूछने वाली प्रश्न आ जाती है, तो इसके लिए हम क्या बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम पूछ रहे हैं किसी से, अनुरोध कर रहे हैं, तो इसका हम क्या बना सकते हैं, जैसे क्या मैं अंदर अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, अगर ऐसा हो, क्या मैं अंदर
आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्वेश्चन मार्क है यहाँ। यानी क्या किया जा रहा है यहाँ पे, अनुरोध किया जा रहा है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इस तरह से और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं कि क्या दया उसके दरवाजा बंद कर सकता है, यानी मे यू प्लीज शट द डोर, ठीक है। यानी इसमें बहुत सारी, अच्छा विश की बात अगर आती है तो विश वाले सेंटेंस कैसे होंगे, ये भी एक दो देख लेते हैं हम सेंटेंस। हो सकते मान लीजिए हो, ईश्वर तेरी मदद करे, ईश्वर तेरी मदद करे, तो इसका क्या बनाएंगे, मे गॉड हेल्प यू। क्या लिखेंगे जी भाई, आसानी से लिख सकते हैं मे गॉड हेल्प यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, विश पूरा किया जा रहा है, आप चिरंजीवी हो, यानी आप दीर्घायु हो जिसको कहते हैं, तो सेंटेंस हो जाए कि आप चिरंजीवी हो, आप क्या हो, आप चिरंजीवी हो। इस तरह का अगर सेंटेंस आ रहा है तो आप क्या बनाओगे, यहाँ भी देखो, यहाँ भी विश की ही बात हो रही है तो हमने मे लगाना ही लगाना है, यानी मे ही लीव लॉन्ग, ठीक है। दीर्घायु हो या चिरंजीवी हो, बात एक ही होता है, ठीक है। और हम क्या बना सकते हैं, और हम क्या बना सकते हैं, और बना सकते हैं कि अगर सेंटेंस के शुरुआती में, सेंटेंस के शुरू होने के क्रम में ही क्या आया हो, अगर क्या शब्द आया हो और उसमें इस तरह की बात आ रही हो, यानी निगेटिव की बात कर सकते हैं हम, इंट्रोगेटिव की बात कर सकते हैं। तो आइए इंट्रोगेटिव का एक दो क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें मैं दोनों का यूज हो, मैं और कैन दोनों का उपयोग हुआ हो। जैसे अगर सेंटेंस अगर दे हो कि क्या तुम इस काम को कर सकते हो, सेंटेंस अगर हो कि क्या तुम इस काम को कर सकते हो, कर सकते हो, तो इसका सेंटेंस हमने क्या बनाना है, क्या बना सकते हैं हम इसका, कि कैन यू, देखिए यहाँ कैन क्यों लगा रहे हैं, काम कर सकते हो, यानी आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी क्षमता क्या है, इसलिए हम लगा रहे हैं कि कैन यू डू दिस वर्क, ठीक है। अगला सेंटेंस एक दो और हम लेकर देखते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस हो कि क्या आज वर्षा हो सकती है, क्या आज वर्षा हो सकती है, हो सकती है, तो इसका क्या बनाएंगे भाई, अब यहाँ पे हम कैन का उपयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मे का उपयोग करेंगे, यानी बनाएंगे मे इट रेन टुडे। अब देखिए दोनों में सकता है, यहाँ भी था यहाँ भी था, सवाल ये है कि यहाँ पे हमने कैन लिख दिया, यहाँ पे मे लिख दिया, तो यहाँ देखिए यहाँ वर्षा जो है ये संभावना के अंतर्गत आ रहा है, वर्षा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और यहाँ है एबिलिटी पूछा जा रहा है कि इस इंसान की फिजिकल क्षमता को पूछा जा रहा था, मानसिक क्षमता को पूछा जा रहा है कि आप काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की सेंटेंस जब आएगी तो आप कैन और मे का उपयोग करके बना सकते हैं, ठीक है। एक और सेंटेंस लेते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं, ठीक है, कि क्या वह तैर नहीं सकता, चाहे हम लिख सकते हैं इसको कि क्या वह तैर सकता है, क्या वह तैर सकता है, तो इसका क्या बनाएंगे हम, क्या वह तैर सकता है, यानी उसकी क्षमता पे बात हो रही है, क्षमता क्या है उसका, यानी कैन ही स्विम, ठीक है। अब एक बच रहा है निगेटिव के लिए, तो आइए हम बात कर लेते हैं निगेटिव पे भी, कि निगेटिव में कैसे बनाते हैं, तो निगेटिव हम दोनों का साथ साथ बना लेंगे, आसानी से खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हो कि क्या तुम इसे याद नहीं कर सकते हो, सेंटेंस अगर दिया हो कि क्या तुम इसे याद नहीं कर सकते हो, याद नहीं कर सकते हो, सेंटेंस के लास्ट में सकते हो आ गया है, तो यहाँ पे हमको खाली रखना है कि हमने मे लगाना है कि कैन लगाना है। तो देखो याद नहीं कर सकते हो, यानी ये है कि तुम्हारी क्षमता पे सीधे बात आ रही है, तो यहाँ पे हमने कैन का उपयोग करना है कि कैन यू, कैन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि क्या सबसे पहले आया इसलिए कैन को हम बाहर कर रहे हैं। कैन यू नॉट रिमेम्बर, रिमेम्बर एम ई एम बी ई आर, कैन यू नॉट रिमेम्बर इट, ठीक है। अगला एक और सेंटेंस लेकर देखते हैं, एक और सेंटेंस लीजिए,
क्या वह कल नहीं जा सकते हैं? क्या वह कल नहीं जा सकता है? नहीं जा सकता है, यानी जाना ना जाना संभावना वाली बात हो रही है, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। तो इस कंडीशन पे हम इसका क्या बनाएंगे कि मे ही नॉट गो टुमारो। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हौसला बढ़े, ताकि और भी वीडियो आपको मैं बनाता रहूँ आपके लिए और आप इसको वॉच करते रहें। आप जरूर इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।